सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। समाज के द्वारा पूरे वर्ष भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, लेकिन इस बार फूलमाली समाज के इतिहास में पहली बार समाज के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर ही मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहा है। श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर के द्वारा जबरन कॉलोनी जूनी इंदौर स्थित अपने मांगलिक भवन पर हर साल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है। हर बार इस आयोजन के मुख्य यजमान समाज के ही किसी ना किसी परिवार को बनाया जाता है। पहली बार समाज में परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज इस महायज्ञ में शामिल हो रहा है, क्योंकि इस बार का दायित्व स्वयं श्री सकल पंच फूलमाली समाज इंदौर निभा रहा है। समाज की मुख्य समिति के पदाधिकारियों ने आपसे विचार विमर्श के बाद यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इसमें पूरा समाज ही मुख्य यजमान की भूमिका में नजर आ रहा है। इस बार भागवत कथा के स्थान पर फूलमाली समाज इंदौर अपने मांगलिक भवन में श्री राम कथा करा रहा है, जिसका शुभारम्भ 20 अगस्त को भव्य ऐतिहासिक यात्रा के साथ शुरू हो चुका है। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु शामिल हुए हैं। यात्रा का नेतृत्व समाज के वरिष्ठ मनोहर जी लिम्बोदिया, जगदीश बड़ोनिया, गांधीनगर वाले जगदीश बड़ोनिया, सुदामा नगर वरिष्ठ पदाधिकारी कमल जी सोलंकी, अध्यक्ष पारस जी बुढ़ाना, महासचिव मांगीलाल जी चौहान, सचिव पत्रकार राजेश पिपलोदिया, मनीष भिंजवा, कुंदन लाल, जितेंद्र चौहान, फूलमाली समाज इंदौर सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष अशोक चौहान, दिनेश पहलवान सहित तमाम लोग कर रहे थे। यात्रा का समापन समाज के मांगलिक भवन पर किया गया। इसके बाद पहले दिन की पूजा समाज के अध्यक्ष पारस बुढ़ाना परिवार द्वारा की गई। दोपहर बाद मांगलिक भवन के राम दरबार में श्री राम कथा का शुभारंभ भक्तिमय माहौल में शुरू किया गया। इस बार व्यासपीठ पर बैठकर भगवान श्री राम जी का चरण वंदन करते हुए पूजनीय पंडित ईश्वर कृष्ण उपाध्याय जी महाराज भक्तों को श्री राम कथा का रसपान करा रहे हैं। अनजानी पंडितों से हमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इस बार श्री ईश्वर कृष्ण जी उपाध्याय महाराज अपने सार गर्भित उद्बोधन में बड़े ही मनोहरी शब्दों में कथा सुना रहे हैं। कथा के दौरान सुमधुर भजनों पर राम भक्त जमकर कई बार झूम उठे। एक्सटेंशन और आकर के उसने प्रार्थना की है कि प्रभु ये मेरी नहीं आपके घर का विवाह है। गणेश जी को चिंता लगती, लेकिन जैसे मंदिर से बाहर निकलता और फिर सांसारिक भोगों में उलझ जाता। भगवान गणेश जी कहते हैं कि जब तू सब कुछ करने में सक्षम है तो फिर मेरे पास क्यों आया। अब गणेश जी की सर्वप्रथम सेवा क्यों की जाती है, तो कहा माता पार्वती में आशीर्वाद दिलवाया है नारायण शिव और ब्रह्मा से। कब? जब मुख को काट लिया था भगवान शिव ने गणराज पे, जब मुख का छेदन किया और भगवती पार्वती को जब पता चला मानो प्रलय आ जाए ऐसा भगवती का जब वहां रोष को देखा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों खड़े हो गए। देवी आपके शांत हो? कहा शांत कब होगी? एक तो गणों में सर्वश्रेष्ठ, शिव के गणों में सर्वश्रेष्ठ।